नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो ओप्पो ने लॉन्च किया है ओप्पो A2 जो कि 13 अप्रैल को लॉन्च हुआ था और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। जो इसका डिस्प्ले टाइप है वो एक एमोलेड डिस्प्ले है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, और जो स्क्रीन का साइज़ है वो है 6.55 इंचिस। जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो फुल HD+ है, और जो इसको प्रोटेक्शन दी गई है वो कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास 5 है, और जो इसकी ब्राइटनेस है वो 500 निट्स है। जो स्क्रीन है वो सपोर्ट करती है HDR10+, और जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो है 90 Hz, जो कि बहुत ही मिल्की स्मूथ रिफ्रेश रेट है। दोस्तों इस फ़ोन की खासियत क्या है, इसमें आता है स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, और आपको मिलता है GPU इसमें एंड्रीनो 650, और ये एक 5G चिपसेट है। दोस्तों ये तीन वेरिएंट्स में आता है। पहले वेरिएंट्स में मिलेगी आपको 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम, दूसरे वेरिएंट में आपको मिलेगी 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम, और जो थर्ड वेरिएंट है उसमें 256 GB आपको स्टोरेज मिलेगी और 12 GB रैम मिलेगी आपको। दोस्तों अब बात करेंगे इसके मेन कैमरे के बारे में। जो इसका मेन कैमरा है वो 48 MP का है, जिसका अपर्चर है 1.7, और ये एक वाइड कैमरा है। और दूसरा जो इसका कैमरा है वो 8 MP का है, जिसका अपर्चर 2.2 है, जो एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और थर्ड कैमरा है वो 2 MP का है, वो ब्लैक एंड वाइट कैमरा है, वो डेप्थ सेंसर है इसका, और इसी के साथ एक और डेप्थ सेंसर लगा है, 2 MP का कैमरा है। दोस्तों जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 16 MP का है, जो कि एक पंच होल में है, और ये रिकॉर्डिंग कर सकता है फुल HD में 30 FPS। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। जो इसकी बैटरी है वो 4000 mAh की है, और ये साथ में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि 65 वाट का फास्ट चार्जिंग है, जो फ़ोन को चार्ज कर देगा 100% सिर्फ 30 मिनट्स में। जो वायरलेस चार्जिंग है वो 40 वाट का है, जो फ़ोन को चार्ज कर देगा 100% 56 मिनट्स में, और जो वायरलेस रिवर्स चार्जिंग है वो 10 वाट का है। दोस्तों फाइनली मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ। ये जो फ़ोन है वो गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये एक फ्लैगशिप बजट फ़ोन है। ये फ़ोन अभी तक सिर्फ चाइना में ही लॉन्च हुआ है, और अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो इसकी कीमत होगी 40 से 50 हज़ार के बीच। और ये एक 5G फ़ोन है, और जो जो इसकी रैम है वो LPDDR5 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और जो इसका स्टोरेज है वो है UFS 3.0, जो कि फास्ट स्टोरेज है। तो ये एक गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अब इस फ़ोन की कमियां क्या है, इस फ़ोन के जो एक प्रीमियम फिनिशिंग नहीं दी गई है, तो इसको अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको ये प्रीमियम फीलिंग नहीं देगा। और दूसरी जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो है इसके जो कर्व ग्लास नहीं है, तो ये सिंपल है, फ्लैट ग्लास है, बिल्कुल कर्व वाली प्रीमियम फिनिशिंग इसमें नहीं है। तो थर्ड मेरे को जो इसका ख़राब पॉइंट लगा है वो है इसमें सिर्फ 48 MP का कैमरा है, जो फोटोग्राफी के लिए सूटेबल नहीं है। बाकी फ्लैगशिप फ़ोन्स में 108 MP या 64 MP का कैमरा होता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ये एक कैमरा फ़ोन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।